नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर कोरोना काल के मद्देनजर व्यवस्था दुरुस्त रखी गई थी। प्रवेश द्वार से अंदर परिसर घुस रहे सभी के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा था। सुबह 10 से ही यहां कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा था। किसी भी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी यहाँ पर उपलब्ध थी। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मतगणना होने तक अपनी जीत के दावे किए जा रहे थे। नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के चुनाव प्रक्रिया का आगाज शुरू होने जा रहा है। पालिका परिसर में अभी कांग्रेस के सभी पार्षद पहुंच चुके हैं, भाजपा के पार्षद भी कुछ क्षणों पश्चात यहां पर पहुंचने ही वाले हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए इस जामुल पालिका में काफ़ी जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही पार्टियों के पार्षदों द्वारा साथ ही वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसमें निर्दलीय प्रत्याशियों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। सभी का कहना, दोनों ही राष्ट्रीय दलों के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि निर्दलीय हमारे साथ है। खैर, ये थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाएगा कि नगर पालिका परिषद जामुल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर बीजेपी का कब्जा होता है अथवा कांग्रेस का। साथ ही सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये देखी जा रही है, अभी जो सिर्फ इसी जामुल नगर पालिका में देखी गई है कि गेट पर एक व्यक्ति को बिठाया गया है परिषद की ओर से, जो तमाम आने जाने वालों को सैनिटाइज कर रहा है। ये कोरोना के मद्देनजर ये काफ़ी एक अच्छी स्थिति है। साथ ही मास्क के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे द्वारा भी कई बार ये लोगों से अपील की गई है कि भाई, इस परिसर में आए तो कम से कम मास्क का उपयोग करें। इस चीज़ का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है। अधिकांश लोगों द्वारा यहाँ मास्क लगाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर को लेकर के भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। बहरहाल, अभी इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद अभी लगभग 11 बजने को हैं। कुछ ही देर बाद हम एक आपको नया अपडेट देंगे कि अंततः इस पालिका परिषद में अध्यक्ष की जो दावेदार है, उपाध्यक्ष को लेकर कौन सी पार्टी इसमें अपना प्रबल दावा प्रस्तुत करती है और किस पार्टी का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बनता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।